बिंदुओं का जोड़ और बताना, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा था, समान हर वाले बिंदुओं को जोड़ना, ठीक है ना, सबको आ गया। आज हम देखेंगे ऐसे बिंदु जिसकी हर जो है समान नहीं है, जानेंगे समान अर्थात बराबर नहीं है, ऐसे बिंदुओं को जोड़ने का आसान तरीका, ठीक है। चलिए मान लो हमारे पास दो संख्या है, भिन्न संख्या, पहला है 3/4, क्या 3/4 धन 2/5, क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिख लिए है ना, पहले क्या होता था, हर बराबर था तो हम हर को जा सकता सिद्ध थे, लेकिन यहाँ पर क्या हर बराबर है क्या नहीं है, तो क्या करेंगे, हर को बराबर कैसे करेंगे, हर को बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर का बराबर है ना, बटे यहाँ पर बटे कर लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे लसावा, क्या लसावा अर्थात लघुत्तम वर्ग, लघुत्तम समाप वर्ग, ठीक है। अब उसको निकालने का बहुत ही अच्छा से आसान तरीका क्या सर, ठीक है, लघुत्तम समाप वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो लसावा का लघुत्तम समापवर्त निकालने का आसान तरीका है, बस क्या लिख दो, पहाड़ा, क्या लिखना है, जैसे कि 4 और 5 है हर में, दोनों बराबर नहीं, इनको 4 और 5 क्या निकालना, लघुत्तम समापवर्त, तो हमने यहाँ पर 4 का पहाड़ा लिख दिया है, यहाँ पर 5 का पहाड़ा लिख दिया है, ठीक है, लिख दिया ना। अब दोनों में हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जो दोनों में हो, मिलाना है, बताइए कौन सी संख्या जो दोनों में है, क्या है, अच्छा इसको हम यहाँ पर गुणा लगा दी 20, और क्या है 40, क्या है 40, दोनों हो गया, अगर हमारे पास 20 आ गया और 40, अब दोनों में सबसे छोटा क्या है 20, तो यही कहलाएगा आपका लसावा का लघुत्तम समाप, चल गया आसानी से। अब जो लघुत्तम समापवर्त निकला उसको कहां लिखेंगे, नीचे में, ठीक है, इधर बन जाएगा। अब ये ट्रिक याद रखना, हर से भाग अंश से गुणा, हर से भाग अंश से गुणा है ना, हमेशा याद रखना, क्या करेंगे, हर से भाग अंश से गुणा, ठीक है, अंश से गुणा करेंगे। चलिए तो पहले वाले भिन्न का हर कितना है, क्या है, चार, क्या है, चार है, पहले वाले भिन्न का हर कितना है, चार, तो 4 से 20 को भाग दो कितना आएगा, 4×6 कितना आया, 4×6 हाँ, तो कितना, 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, अब गुणा करेंगे 3 से, सरल है, हर से भाग देंगे और अंश से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, अर्थात धन है तो धन और ऋण है तो ऋण, तो धन धन कर देंगे, फिर यहाँ करेंगे 5 से भाग दो 20 को कितना आएगा, 5×4 कितनी बार, 4 बार, 4 बार आया, 4 लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर में कितना है, 2 गुना 2, अब कर दो गुना, 3×5 15, धन का धन, 2×8, बटे का बटे, 20 का 20, अब क्या करेंगे, हो गया आसान ना, जोड़ दो अब, तो 15 और 8 जोड़े कितना हो जाएगा, 23 बटे 20, जुड़ गया आसानी से, कहीं आपका क्या कहलाएगा, उत्तर 23/20। तो हमने असमान हर वाली जो भिन्नों को आसानी से जोड़ दिया, कर लोगे, कर सकते हैं, अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस है तो घटाएंगे, कर लोगे ना, हर बराबर नहीं तो हर को बराबर करोगे ऐसी, और हर से भाग अंश से गुणा, क्या, हाँ, फिर उसके बाद में दोनों को जोड़ दो और जो उत्तर आएगा वही आपका योगफल है, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से असमान हर वाले बिंदुओं को
जोड़ सकती है।